हाय गाइस, वेलकम बैक विद क्रिएटिव कॉर्नर बाय दीपाली। लास्ट वीडियो में हमने ये एलिफेंट को बनाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम इसको डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट करने के लिए इसमें हम सबसे पहले इसकी जो एजेस हैं इसको थोड़ा स्मूथ करेंगे और थोड़ा फाइन करेंगे। इसे स्मूथ करने के लिए हम सैंड पेपर यूज़ करेंगे, जिसे हम रेगमाल भी कहते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रब करेंगे पूरे को, जो एक्स्ट्रा डस्ट होगा वो निकल जाएगा। ब्रश से क्लीन करेंगे और देखिए कितना डस्ट निकल रहा है इसमें से। अब इसके बाद हम इसके ऊपर एक कोट एक्रेलिक कलर का करेंगे, वाइट एक्रेलिक कलर, जिससे ये जो शाइनिंग आएगी इसमें, इसका बेस बन जाएगा। क्योंकि वैसे मुझे ये एलिफेंट वाइट कलर का ही रखना है। हर तरफ वाइट कलर कर देंगे, स्टैंड पे भी वाइट कर देंगे, ताकि सारा यूनिफॉर्म लगे। एक्रेलिक कलर जल्दी सूख जाता है, तो अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कोई डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाता है, उससे कलरिंग करने में इजी हो जाता है। हम कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं, कुछ स्क्वायर्स बना सकते हैं। मैंने यू शेप बनाया है और थोड़ा फ्लोरल पैटर्न दिया है, क्योंकि मुझे फ्लोरल एलिफेंट रखना है। मैं मिरर्स भी यूज़ करूँगी इसमें, दो तीन शेप के मिरर्स हैं मेरे पास। और वैसे तो मिरर्स बाद में पेस्ट होंगे, बट अभी थोड़ा सा रख के देखने के लिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि रख के देख कर ही हमें आइडिया मिलेगा कि हमें कलरिंग कहाँ पे करनी है और मिरर के लिए जगह कहाँ छोड़नी है। थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं टेंटेटिव, पर मिरर्स हम सबसे लास्ट में पेस्ट करेंगे। अब एक्रेलिक कलर स्टार्ट करते हैं। कलर्स कोई भी अपनी चॉइस के कर सकते हैं। एलिफेंट के दोनों साइड सेम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, सेम ही कलर्स करेंगे। जो भी पैटर्न बनाएंगे उसकी आउटलाइनिंग ब्लैक कलर से ज़रूर करेंगे। आउटलाइनिंग करते हुए जो डिज़ाइन है हमारा अच्छे से नज़र आता है, निखर कर आता है बाहर। और एक पर जो हमें आउटलाइनिंग करनी है वो हम चाहें तो एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं, ज़ीरो नंबर के ब्रश से, नहीं तो हम परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं।
ये थोड़ा मेटालिक गोल्ड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि ये अलग से लगे, ऐसे लगे क्योंकि तो फैब्रिक रखा हुआ है हमने इसके ऊपर। अभी एलिफेंट कलर तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और अब थोड़ा सा मैं इसमें शाइन देने के लिए इसके ऊपर एक कोट वार्निश का करूँगी। वार्निश हम किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर, किसी का भी। और एक कोट वार्निश करने से इसके कलर्स भी पक्के हो जाएंगे, कभी थोड़ा सा पानी भी अगर लगता है तो वाटरप्रूफ हो जाते हैं कलर्स, और इससे पूरा शाइन आ जाएगा, पूरे ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ है पीस। अभी एक वार्निश सूख गई है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सूखने में, और अब लास्ट स्टेप है हमारा कि इसको हमें डेकोरेट करना है मिरर से। मैंने इसके आईज़ पे भी मिरर ही लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास आई शेप का मिरर था। आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। Now this elephant is ready, and I hope you really like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Till then, stay tuned and wait for my next video. Thank you.